हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन। न्यूटन हमारा होती है फोर्स की यूनिट, और ये वाट होती है हमारी शक्ति, मतलब पावर की यूनिट। और डाइन भी हमारी फोर्स की यूनिट होती है, लेकिन ये हमारी होती है सीजीएस में, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। अब आगे हम बात करते हैं जूल। जूल हमारा बनता कैसे है? तो कार्य का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू दूरी, मतलब डिस्टेंस, एफ इंटू डी। फोर्स हम सब जानते हैं, एम द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये हमारा बन जाता है फोर्स। और दूरी के लिए हम क्या लिखेंगे? दूरी को हम मीटर में नापते हैं, तो मीटर। अब हमारा फोर्स की यूनिट आ जाएगी केजी, द्रव्यमान को केजी में, एक्सेलरेशन को लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये मल्टीप्लाई मीटर इसके ऊपर आ जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा? एक जूल के बराबर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जूल। कार्य का मात्रक है हमारा जूल। अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, ऐसी राशियाँ हमारी अदिश राशियाँ कहलाती है, जैसे द्रव्यमान, चाल, ऊर्जा, कार्य। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। और ये सारी हमारी कैसी राशियाँ? सदिश राशियाँ। अब हम बात करते हैं सदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? अब हम उसमें जब थे, अदिश राशियों में थे, तो उसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती थी, दिशा की नहीं। ये उसका अपोजिट है। इसमें सदिश राशियों में हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशियाँ हमारी सदिश राशियाँ कहलाती है। सदिश राशियाँ हमारी कौन कौन सी होती हैं? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि हमारी सदिश राशियाँ। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा संवेग जो होती है, हमारी सदिश राशियाँ होती हैं, जिनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और अदिश राशियाँ जो होती हैं उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण का क्या सूत्र है? मैंने आपको कल भी बताया था, त्वरण होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन आज इसमें हमें दूसरी फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमारा जो ए होता है, ए इज इक्वल टू दैट चेंज इन वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटे टी, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, वी माइनस यू अपॉन टी। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या? शक्ति की इकाई, अगर पूछता सिर्फ शक्ति की इकाई तो हमारा आंसर हो जाता वाट, लेकिन उसने पूछा लेंस की शक्ति के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, जो हमारा लेंस में नापा जाता है। पार्सेक इकाई है। पार्सेक इसकी इकाई है, दूरी की है, समय की है, प्रकाश की, चमक की है, इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर दें। तो पार्सेक इकाई है हमारी दूरी की। अब पार्सेक दूरी की इकाई क्या है? पार्सेक जो हम अपने लाइट ईयर सुना होगा, मतलब प्रकाश वर्ष, पार्सेक जो होता है प्रकाश वर्ष की भांति खगोलीय दूरियों को मापने का एक पैमाना होता है। दूरी की और इसका एक क्वेश्चन बेटा और बनता है कि पार्सेक जो होता है हमारा दूरी की सबसे बड़ी इकाई, अगर क्वेश्चन आता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो हमारी पार्सेक होती है, जो कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10^16 मीटर, और एक लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष वो भी होता है दूरी की इकाई, लेकिन वो पार्सेक से छोटी होती है। तो एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर बराबर होता है, आप समझ जाना, ये लाइट ईयर लिखा है, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10^15 मीटर। तो इसलिए सबसे बड़ी इकाई होती है ये पार्सेक, हमारी दूरी की सबसे बड़ी इकाई। क्वेश्चन आ जाए दूरी की सबसे बड़ी इकाई, तो वहाँ प्रकाश वर्ष भी होगा ऑप्शन में, लेकिन आप क्या लगाएंगे? पार्सेक को लगाएंगे, क्योंकि ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी होती है पार्सेक, और ये खगोलीय दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको समझ आ ही गया होगा। निम्न में से क्या समय का मात्रक है? मात्रक नहीं है, क्वेश्चन समझो, क्या
क्या समय का मात्रक नहीं है, उसने पूछा है नहीं क्या है। अधिचंद समय का मात्रक है, चंद्रमा समय का मात्रक, लेकिन हमारा जो अभी मैंने बताया प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष हमारा होता है दूरी का मात्रक। अब दूरी का एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर हमारा होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10^15 और ये हमारा मीटर में होता है, 10^15 मीटर। ओके, और एक पारसेक भी आपको आगे याद रहा होगा, 3×10^16 मीटर। इसलिए दोनों को बड़ा पारसेक, छोटा प्रकाश वर्ष, और सबसे बड़ा भी पारसेक। डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब डेसिबल क्या होता है, डेसिबल हमारा खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे सिंपल बात है, डेसिबल हमारा वातावरण में ध्वनि नापने के काम आता है। मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता देती हूँ, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उत्पत्ति जो हमारे वाइब्रेशन होते हैं उनसे होती है, तथा जिनकी उत्पत्ति हमारे वाइब्रेशन से होती है, तथा ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यह वायु, हमारे जो वायुमंडलीय वायुमंडलीय प्रेशर होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपने पढ़ा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, ये सब पर निर्भर करती है, इसी से हमारी ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वातावरण में ध्वनि। बल का सीजीएस प्रति में मात्रा क्या होती है, आप लोग बताइए, अपना तो आंसर दीजिए। बल की सीजीएस प्रति में क्या होता है, किलो न्यूटन, किलोमीटर, न्यूटन, ये डाइन है, थोड़ा सा मिस हो गया, डाइन है, तो DYNE, डाइन। तो हमारा इस सीजीएस प्रति में ऑप्शन होता है डाइन, और ये न्यूटन जो होता है ये बल की MKS में होता है। अब इसमें SI में नहीं दिया है, तो बल की SI प्रति में मात्रक होता है KG मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अगर क्वेश्चन आता है SI में तो KG मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर वो बोल दे MKS में तो न्यूटन, अगर वो बोल दे CGS में तो आ जाएगा डाइन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डाइन। कार्य राशि है, तो सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया था कार्य कैसी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। हम सब जानते हैं कि 4°C पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्या आप लोगों को पता है 4°C पर ही क्यों होता है। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा पानी के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के कारण होता है, जो हमारे पानी में मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो पानी में मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं उसके कारण हमारा टेम्परेचर 4°C होता है। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को ठीक 4°C से जब हम नीचे लेकर आते हैं, एक ग्राफ टाइप का होता है, अगर हम इसको 4°C से जब नीचे लेकर आते हैं ना, जब हम नीचे ले आएंगे तो इसका जो इसकी डेंसिटी जो होती है अचानक से बहुत कम हो जाती है। तो हम जब इसको लैब में देखा गया तो हमें पता चला कि इसका 4°C जो बन जाता है, 0, 1, 2, 3 होते हैं, तो 4°C पर ये अपनी हाइयर दिखाता है, इससे नीचे लाने पर ये अचानक से लो हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यह इसका जल का घनत्व अधिकतम 4°C होता है, और ऐसा मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, वाटर के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सेल्सियस क्या मापने की इकाई है, सेल्सियस क्या मापने की इकाई, इसमें बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये, एक टेम्परेचर और एक हीट, आप लोग क्या आंसर देंगे, सेल्सियस क्या मापने की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्सियस जो है टेम्परेचर नापने की इकाई है, सेल्सियस हमारा टेम्परेचर मापने की इकाई है। अब मैं आपको बताती हूँ ऊष्मा, ये हीट क्या है, टेम्परेचर और हीट में मैं बताती हूँ इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है मेनली, जो हमारा एक से लगते हैं। सेल्सियस हमारा टेम्परेचर मापने की इकाई है, अब हीट, ऊष्मा किसी वस्तु, हीट क्या होती है, ऊष्मा किसी वस्तु या पिंड की ऊर्जा को कहते हैं, जो हमारी एनर्जी बनती है हीट के कारण उसको हम कहते हैं हीट, ऊर्जा होती है किसी वस्तु या पिंड की ऊर्जा को कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर जो तापमान होता है किसी पिंड की ऊर्जा को मापन के लिए जो मापन किया जाता है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। दोनों में डिफरेंट समझ आ गया, तो सेल्सियस क्या नाप मापने की इकाई है, हमारी सेल्सियस है टेम्परेचर नापने की इकाई। एक मेगावाट होता है, ये वेरी इजी क्वेश्चन है, एक मेगावाट हमारा होता है, एक मेगा में होते हैं 10^6 और वाट का वाट आ जाएगा, तो एक मेगावाट होता है 10^6 वाट।
एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? एक जूल में हमारे होते हैं 10^7 अर्घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।